अस्सलाम वालेकुम सर हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। अली, क्या हाल है आपके? ठीक है? जी। सर अल्लाह का शुक्र, आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी कितने स्टूडेंट्स हैं? तकरीबन 7 के करीब आए हैं ना। तो चलिए हम उसको, मैं ज़रा थोड़ा सा, 1-2 मिनट मुझे चाहिए होंगे। मैं इधर यहाँ पे आज UMT के अंदर ना 6th फ्लोर पे बैठा हूँ, तो ठीक है सर। ले वो ज़रा थोड़ी सी मेरी चीज़ें जो है ना, वो यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा वायरलेस जो है ना, तो मैंने फिर इनका कंप्यूटर अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमने करना है आज ना। वो जो मैंने कल लैब भेजी थी, आप लोगों ने शुरू की है किसी ने? वो उसको ना, अगर आप लोग इस टाइम में ना, मैं थोड़ा सा लेक्चर हम करते हैं, उसके बाद फिर आप ना उसको करने की कोशिश करें जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको करना ज़रूरी है। शहरोज आया है कि नहीं आया? शहरोज रात को 1 बजे तक बैठा रहे और कोशिश करता रहा। मैं कुछ, हमारा एक मसला आ रहा था। और आप में से किसी ने ट्राई किए? अबरार अबरार कादरी आपने किए? अबरार रसूल कादरी, अबरार आपको कल जो मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, मिला है कि नहीं मिला? हाँ, ये अबरार जो है ना, ये ऑनलाइन है कि? अनस मुश्ताक, अनस आप बताएं, यस सर। जो जो कल मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, वो क्या था बेसिकली? उसमें मैंने क्या कहा है आप लोग? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला हाँ, लेकिन उसके लिए मैंने क्या मटेरियल भेजा था आपको? यस सर, वो ड्राइव मैंने खोली थी, उसमें काफी सारी चीजें थी। ड्राइव के अंदर? कौन सी ड्राइव की बात यस कर सर। रहे हैं? कौन सी ड्राइव की बात कर रहे हैं? वो मैसेज पढ़ते हैं आप लोग जो मैं भेजता हूँ आपको, जी या सर, नहीं आपने पढ़ते? वो गिटलैब की भेजी थी एक, वो सर मैंने किस ट्राई लिए? किया काफी। हाँ और सर उसके बाद आपने वो एक PDF फाइल भेजी थी हाँ क्यों इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज, सर मैंने वो भी उसमें भी सर प्रैक्टिस किया काफी। अच्छा, जी सर। और किस किस ने की है? और किस किस ने की है? सलाम सर। हाँ जी, खुर्रम शफकत, शफकत। जी सर, जी सर। सर वो गिटलैब वाली जो आपने भेजी थी ना लिंक, हाँ सर मैंने उसके बारे में ही बात करी थी। सर ये आपने ना तकरीबन रात के 12:30 ही आपने लैब भेजी थी। सर ये आप इतनी अगर आपको रात को भेजते हैं ना तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है कि हम लोग ना उसको उसी टाइम पे या 1-2 घंटे के अंदर रन करके देख सके, क्योंकि हमारी सुबह भी क्लासेस होती हैं। सर आप हाँ काइंडली 1 दिन पहले या फिर तकरीबन कुछ घंटों पहले दोपहर तक ही आप भेज देते हैं ना तो फिर वो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। रात के 12:30 बजे तो ऑलमोस्ट कोई भी नहीं उठा होता, या अगर उठे होते तो फिर वो सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, वो फिर वो हाँ चलो बाकी ठीक है, अपने काम ठीक है। कर रहे आपका होते हैं। पॉइंट पॉइंट मुझे आ गया, समझ गया मैं। वो असल में जब भी वो देखो, काम जो बंदा करता है ना, उसका दिन हो या रात हो, उसको पता नहीं चलता ना। जी ठीक सर, वो मसले वाली बात नहीं सर, बस ये है कि सर है। बाकी कोर्सेज का भी ना काफी लोड हो गया, वो ऊपर से FYP भी चल रहा है तो वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा सही से। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये एक मिनट, ये दोबारा लॉकआउट हो गया। अच्छा जी, हमारा सेक्शन V3 है अभी, जी सर V3। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे ना, ये V3 जो है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही जी है। सर। अच्छा, ठीक है। तो अब ये है कि हमने स्क्रीन शेयर करनी है ना। मैं असल में यहाँ पे थोड़ा सा वेट। अच्छा जी, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं अभी ना डिस्कस करना चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये है कि जो GPU प्रोग्रामिंग है ना, ये बहुत ही मतलब है, क्या कहते हैं इसको, इट्स वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फील्ड। ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम GPU की जो प्रोग्रामिंग है, ये कूडा है, वो कहाँ तक लेकर जाएंगे ना।
मैं आपको अब जो पीटर की बुक है ना वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ इस वक्त ना, जरा उसका हम चैप्टर, अगर आपके पास बुक है तो आप भी ओपन कर सकते हैं, बट राइट नाउ वी गो टू चैप्टर 6, ठीक है ना? क्योंकि हमारी ये मेन टेक्स्ट बुक है, तो हमने देखना ये है कि क्या हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इज इट इन लाइन विद अवर टेक्स्ट बुक और नॉट, आर वी फॉलोइंग द सेम थिंग एज मेंशन इन दिस बुक, और वी आर आउट ऑफ स्कोप, ठीक है? अब अगर ये चैप्टर 6 को देखें, ये सबको नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल में, तो कि नहीं? जी सर आ रहा हाँ, इसका ना मैं एक एक ना जस्ट वॉक थ्रू आपको करवाना जा रहा हूँ चैप्टर 6 के अंदर है क्या क्या चीजें ना, ताकि आपको ना एक बड़ी पिक्चर जो है ना, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो हमेशा उसकी बड़ी पिक्चर ना अगर आपके माइंड में होगी ना, तो यू कैन इजीली इजीली अंडरस्टैंड द बिट्स एंड पीसेस, ठीक है ना? आप जो उसके स्मॉलर वर्जन हैं चीजों के वो आप कर सकेंगे, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी आपको? इस तरह आवाज आ रही है। हाँ, ये ना बार बार इधर पता नहीं मैसेज आ जाता है कि आप जूम से आउट हो गए, पता नहीं आप। क्या मसला है सिस्टम के साथ? नहीं, सर ये आपने अपने लैपटॉप में आपने जूम मीटिंग अपने खोली है? लैपटॉप में नहीं, मैंने ना अपने लैपटॉप पे नहीं खोली ना, मैंने तो इधर जाना, ये जो डेस्कटॉप मशीन है ना उसके अंदर किया हुआ है। जी सर उसमें थोड़ा एरर आता है कभी कभार। हाँ, ये ना बार बार ही आ रहा है ना असल में, ठीक है ना? चलिए मैं अपने कंप्यूटर को बंद कर देता हूँ यहाँ से, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो ना। अच्छा, अब ये देखें, ये चैप्टर 6 ना जीपीयू प्रोग्रामिंग विद कूडा है ना, ये 2020 में शायद प्रोफेसर ने ऐड किया है। इसमें ये जो काले रंग की चीजें नजर आ रही हैं कि जब भी हम जीपीयू को देखते हैं तो साथ में हम जीपीयू भी नजर आता है, ये देखें खाली। अब ये क्या चीज है? ये जनरल जनरल पर्पज ना कंप्यूटिंग ऑन जीपीयू, जनरल पर्पज कंप्यूटिंग ऑन जीपीयू, ठीक है? जनरल पर्पस जो है ना, ये बहुत ही इसका स्कोप बहुत बड़ा है ना, कि आप इसमें गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप इसमें सिक्योरिटी के एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप इसके अंदर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के इसमें कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका जो स्कोप है ना, मतलब बहुत बड़ा है। यानी इसको आप जैसे कल परसों मैं वीडियो देख रहा था ना, शायद मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, तो जेनसन वांग जो है, जो एनवीडिया का फाउंडर है या सीईओ है, जो कि डॉक्टर भी है, पीएचडी भी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट ओमनीवर्स, ठीक है ना? ओमनीवर्स का पता है किसी को? नो सर। हाँ, वो आप ना उसके जीटीसी लिखे हैं यूट्यूब पर, और 2 घंटे का वीडियो जो है ना, रात के वक्त जब आप बिल्कुल हर तरफ खामोशी हो जाए ना, उस वक्त सुने, ठीक है? आपको थोड़ा सा ना एक पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है, ठीक है? तो उसने ओमनीवर्स का एक कंसेप्ट दिया है जिसमें वो जीपीयूज को यूज करने लगे हैं। मतलब वैसे तो बेशुमार चीजों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आ रहा है, दूसरे आपके जो चीजें हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्री की चीजें हैं, रोबोटिक्स है, ठीक है? तो दिस जीपीयू इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर, ठीक है? तो इसलिए इसको ना यहाँ पे इसने ये वर्ड जो है ना जनरल पर्पज डाल दिए, जनरल पर्पज कंप्यूटिंग ऑन जीपीयू, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैं ये इसका ना मैंने आपको वॉक थ्रू कराना है, ठीक है? अच्छा, आप इसी इसी पैराग्राफ के अंदर आप देखें तो कुछ और चीजें भी आपको नजर आ रही हैं कि एक्चुअली अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं ना, इट्स वेरी एक्साइटिंग फील्ड ना, बहुत चैलेंजिंग भी है, एक्साइटिंग भी है, रिवॉर्डिंग भी है, यहाँ पैसे बहुत कमा सकते हैं अगर आप रियली जो है ना कुछ आपके अंदर शौक है काम करने का, ठीक है? अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे उसने एक चीज यूज की हुई है, डीएसपी है। डीएसपी क्या चीज होती है? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स, ये भी चिप्स हैं, ठीक है ना? ये क्या चीज है? चिप्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये एफपीजी का वर्ड भी इसने यूज किया है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। तो आप जब भी कोई बड़ा काम कभी करेंगे जिंदगी में, किसी कंपनी के अंदर जाएंगे मल्टीनेशनल, तो वहां पे आपको इन चीजों से जरूर वास्ता पड़ेगा। वहां पे जीपीयू भी होगा, वहां पे कूडा भी हो सकता है, उसकी एपीआईज भी हो सकती हैं, ओपन सीएल भी होगा। ओपन सीएल अब क्या चीज है? ओपन सीएल क्या चीज है? अब देखें ना, हम तो कूटा के राउंड फिर रहे हैं ना अभी तक। ओपन सीएल भी एक जो है ना, अब ओपन सीएल देखें, ओपन से क्या चीज, ओपन कोई चीज होती है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स वो क्या बनता है कि वो किसी भी ओपन कंप्यूटिंग लैंग्वेज।
चलें, वो तो नाम की याद तक है ना, ओपन कंप्यूटिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है ना, हमने उसके एसेंस को समझना है। एसेंस क्या है कि जब कूडा थी तो वाई पीपल गो फॉर ओपन सीएल या ओपन एसीसी भी एक है, ओपन एसीसी जन। अब इसकी रीजन उसने नीचे लिखी हुई है कि कूडा इज डिजाइन ओनली फॉर एनवीडिया जीपीयूज, ठीक है, वेयर एज ओपन सी एल, इफ यू लर्न ओपन सी एल यू कैन वर्क ऑन आर्बिट्रेरी जीपीयू, एनी जीपीयू। समझ आ गई फर्क? ये जो आर्बिट्रेरी जीपीयू का क्या मतलब है कि किसी और कंपनी का, एटमल का, इंटेल का, कि कोई और कंपनी बीच में बिजनेस में आ जाती है। आज तो एनवीडिया की हुकूमत है ना, जिस तरह गूगल की हुकूमत से पहले याहू की हुकूमत थी, याहू वॉज रूलिंग द इंटरनेट सर्च इंजन, लेटर ऑन गूगल केम इन, ठीक है। इस तरह आप एनवीडिया इस वक्त जीपीयू बना रहा है, हो सकता है कल को कोई और क्वांटम जीपीयू या उस टाइप की कुछ चीज ले आए कोई बंदा। क्वांटम कंप्यूटिंग देखो ना, बिल्कुल हमारे दरवाजे पे नॉक कर रहा है, यानी अगले 10 सालों में क्वांटम कंप्यूटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये लोग जो थे ना, डीएसपी वाले लोग, एफपीजी वाले लोग, ये अभी तक चल रहा है इनका धंधा, लेकिन जीपीयू ने अब इनके बिजनेस को ना थोड़ा सा मतलब खराब कर दी। तो कूटा जो था एनवीडिया ने डेवलप की फॉर देयर जीपीयू, एनवीडिया जीपीयू, ठीक है। लेटर ऑन कंसोर्शियम बने, कुछ लोग और आ गए, उन्होंने कहा भाई इसको पोर्टेबल बनाना है, इसको किसी भी जीपीयू पर चलना चाहिए, किसी भी प्रोसेसर पर। प्रोसेसर कौन कौन से हैं? एफपीजी इज ए प्रोसेसर, डीएसपी इज ए प्रोसेसर। तो इसके मतलब ये है कि इसके पोर्टेबिलिटी के जो इश्यूज था, जो कि कूटा की वजह से आ रहा था, वो ओपन इस ओपन सीएल की वजह से क्या हो गए, खत्म हो गए। अब बात यह है कि वाई डिडेंट वी स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम ओपन सीएल, ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि हमें जब तक चीज़ों का ना एक इंक्रीमेंटल लर्निंग है ना, अब आपको फील होगा कि भाई सी लैंग्वेज को भी यूज़ किया जा सकता है, ओपन सीएल एक नया स्टैंडर्ड आया उसको यूज़ किया जा सकता है, फिर आगे जो है ना एक ओपन एसीसी भी है उसको भी हम देखेंगे टाइम मिला हमें थोड़ा। तो ये एक लीनियर डेवलपमेंट है जिसमें लोग जो है ना जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो आर्किटेक्चर, जब भी हम जीपीयू की बात करेंगे तो वो हमारे जहन में क्या चीज़ आएगी, एस आई एम डी आएगी। एस आई एम डी जब भी होगा तो स्ट्रीम प्रोसेसर्स, डेटा स्ट्रीमिंग, एस सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीमिंग प्रोसेसर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं डेटा पाथ, तो इसका क्या मतलब होता है? डेटा पाथ जो है क्या चीज़ होती है? डेटा पाथ का मतलब ये है ना कि डेटा जहाँ से पास हो रहा है, वो हार्डवेयर जहाँ पर डेटा ट्रेवल कर रहा है। अब ये एक्स आई प्लस इक्वल टू वन जो है ना, ये डेटा है, इस तरह ये भी डेटा है, ठीक है। तो डेटा पास भी हैं आपके कंप्यूटर में अंदर, आपके अंदर कंट्रोल लॉजिक भी है, ठीक है, एड्रेसेस भी हैं एंड सो ऑन, ठीक है, और मल्टीपल कोर्स भी हैं, ठीक है, वन और मोर कोर्स, मोर एस आई एम डी। जब प्रोसेसर आएंगे तो हम उसको फिर एस आई एम डी से हट कर एक नया नाम देंगे, स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर, एस एम्स। एस एम्स का वर्ड जो है ना आपने याद रखना है कि जीपीयू जो होगा आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स, ठीक है। और जब ये शुरू में आया था तो इन्होंने बेसिकली ग्राफिक्स, जो यूटिलिटी ग्राफिक्स जो काम थे उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया था ग्राफिक्स, क्योंकि आपको पता है ना कि गेम्स वगैरह हो गई, हाई स्पीड ग्राफिक्स जो है ना, मूवीज हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह वो लाइफ ऑफ पाई का मैंने फिल्म का बताया था कि उसका जो सारा समुंदर के अंदर जो मौजें हैं वो सारा उन्होंने उसकी सिमुलेशन जो थी वो जीपीयू के थ्रू की हुई थी, ठीक है। तो स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर जो है ना, और एसपीज, ठीक है, इन एनवीडिया पार्लेंस द डेटा पाथ्स आर कॉल्ड कोर्स। डेटा पाथ्स जहाँ पे डेटा जाएगा, प्रोसेस होगा, फिर वहाँ से हम रिजल्ट्स उठाएंगे, तो उन कोर्स को हम क्या कहेंगे, दे आर पार्ट ऑफ योर डेटा पाथ, ठीक है। अच्छा, आप देखें कि कितनी होती हैं। अब यहाँ पे उसने इंटरचेंजेबली ना कहीं एस पी यूज किया हुआ है, कहीं पे उसने एस एम यूज किया हुआ है, ये देखें फर्क है ना। तो करेंटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनवीडिया प्रोसेसर हैज 82 स्ट्रीमिंग प्रोसेसर एंड ईच एस एम हैज 128 स्ट्रीमिंग प्रोसेसर्स।
ठीक है, तो यानी कि वो जो बड़ी डायग्राम पतनिसन डायग्राम यहाँ पे, हाँ ये बनाई हुई है इसने, ये देख, ये अब ये देखें ना, ये डायग्राम ना जीपीयू की है, कि जब भी आप जीपीयू को डिफाइन करेंगे तो यू विल से दैट इट हैज मल्टीपल एसएम्स, फिर एसएम के अंदर कंट्रोल लॉजिक है, फिर उसके अंदर एसपीज हैं। अब ये एसपीज क्या हैं? कोर्स हैं, दीज आर कोर्स, रियल चीज, ये रियल जो चीज है ना, सोना जो है वो कोर है हमारे पास, जो प्रीशियस चीज है दैट इज कोर। ठीक है, तो उसके साथ अब एक एसएम के साथ आपको नजर आ रहा है कि शेयर्ड मेमोरी भी है उसके पास। ये देखो ना, एसपी इसको यूज करेगा, एसपी इसको यूज करेगा, शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट बड़ा फिट बैठता है कि यहाँ पे अगर 16 एसपीज हैं तो दे आर यूजिंग कंबाइंड शेयर्ड मेमोरी। सिमिलरली दूसरा एसएम है, उसके अंदर मल्टीपल एसपीज हैं। अच्छा, अभी अब ये इधर से डेटा आगे जाएगा तो ये कैश पे मैं चला जाता है, L2 कैश है, फिर उसके बाद ये ग्लोबल मेमोरी के पास चला जाता है। तो ये भी ग्लोबल मेमोरी किसकी होगी, ये ग्लोबल मेमोरी किसकी होगी? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी यस सर आ रही है। स्टूडेंट्स? हाँ बताएं ना, बताएं मुझे ना, जब मैं कोई क्वेश्चन यस सर करूँ आ तो रही है आप, आपको। हाँ, अब ये ग्लोबल मेमोरी किसकी होगी? जीपीयू की होगी, क्योंकि वी आर टॉकिंग, दिस इज पार्ट ऑफ, दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ जीपीयू, दिस इज स्मॉल पार्ट ऑफ जीपीयू। ठीक है, एंड दे विल हैव अ कंबाइंड मेमोरी विच इज कॉल्ड ग्लोबल मेमोरी, और इसको हम डिवाइस मेमोरी भी कहेंगे। डिवाइस का वर्ड आपको पता है कि इट इज रिजर्व फॉर जीपीयू। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप देखें ये, इसको बल्कि यहाँ पे देख लें, ये बड़े, ये ज्यादा बेहतर डायग्राम है ना, क्योंकि इसमें इसने होस्ट को अलग कर दिया, जो आपका सीपीयू है, सीपीयू के साथ ये जो लाइन लगी हुई है, ये पीसीआई बस होती है नॉर्मली, एनवी लिंक भी इसको बोलते हैं, एनवीडिया लिंक, एनवी लिंक या पीसीआई ई बस, एक्सटेंडेड बस जो है ना। तो ये सीपीयू की अपनी मेमोरी है, डिवाइस की अपनी मेमोरी है, इसको हम ग्लोबल मेमोरी कहेंगे। ये मल्टीपल एसएम्स होंगी और उसके अंदर एसपीज होंगे जिनको प्रोग्राम करना है। ठीक है, और उनके अंदर फिर मजीद आगे थ्रेड्स और ब्लॉक का कंसेप्ट भी आता जाएगा। तो अब आपको ये बेसिक पता चल गया कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जो मॉडर्न प्रोसेसर है उसके अंदर 82 एसएम्स हैं, 82, और उसके अंदर वन, और हर एसएम के अंदर 128 एसपीज हैं। तो कुल कितने एसपीज हो गए? आप 128 को 82 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनता है तकरीबन 10,496 स्ट्रीमिंग प्रोसेसर्स। इतना बड़ा रिसोर्स अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, इस रिसोर्स को आपने यूज़ करना है और इसको पावरफुली यूज़ करना है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर्ड मेमोरी को कैसे एक्सेस करना है, ग्लोबल मेमोरी को कैसे एक्सेस करना है, और उसके बाद जो डिवाइस मेमोरी है वो क्या चीज़ है, मेन मेमोरी की। तो सीपीयू क्या करता है कि मेन मेमोरी से डेटा उठाएगा, इधर देगा, फिर इस तक कैसे पहुंचाएगा, ग्लोबल मेमोरी तक इस बस के थ्रू पहुंचाएगा, फिर ये डेटा ये लोग उठाएंगे, फिर इस तरीके से ना टू एंड टू वे कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है या कोई और काम करना है तो आपने इनको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो ये मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। और फिर उसके बाद उसने ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम की बात की, सोर्स कोड क्या होता है, ग्लोबल का क्या कंसेप्ट है, ये आपने प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, आपको आइडिया है इसका। ठीक है, फिर उसकी जो कंपाइलेशन है ये देखें, कंपाइलेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है कि कूटा हेलो आउटपुट फाइल है, ठीक है, ये आपकी मेन सोर्स फाइल आ गई, और इस तरीके से आप कमांड लाइन पे ना ये NVCC करके आउटपुट कर सकते हैं, और जब ये आउटपुट फाइल बन जाएगी ये वाली, तो इसको आपने रन करना है इस तरीके से। अब इसने वन लिखा हुआ है तो इसका मतलब शायद वन थ्रेड उसे यूज कर रहा है या कोई और चीज़ है। वन, ये वन का क्या मतलब है, वन का मतलब क्या है इसका, कि उसके पास एक ही थ्रेड है, थ्रेड जीरो। ये देखें, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम थ्रेड जीरो। अगर वो 10 कर देगा, यहाँ पे 10 लिख देगा, तो 10 थ्रेड यूज हो रहे होंगे। ठीक, अच्छा, इसके अंदर जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, वो जो मैंने आपको एक थ्रेड्स का और ब्लॉक्स का और ग्रिड्स का एक मैंने भेजा था, 1D, 2D, 3D का एक डॉक्यूमेंट भेजा है व्हाट्सएप पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपने जीपीयू के वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके समझने की कोशिश करें
क्योंकि आपके पास ना एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है हार्डवेयर के ऊपर, उनको आपने यूटिलाइज करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि आप किस एसएम को या किस एसपी को यूज कर रहे हैं और किस थ्रेड को यूज कर रहे हैं और वो किस ब्लॉक के अंदर है, और क्या ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इन सारी चीज़ों का ना आपने ख्याल रखना है, और उसके लिए आपने कूडन इन बहुत मतलब है ना आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया, ये फंक्शंस अवेलेबल हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये फंक्शन है कूडास डिवाइस सिंक्रोनाइज फंक्शन है ना, ठीक है। तो अगर आपने कूडा को अपने वेरियस थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करना है तो ये फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये क्या चीज़ है, ये वाली ये क्या चीज़ है। अगर हम हेलो वर्ल्ड को दोबारा जरा देखें, व्हाट इज दिस, नजर आ रहे सब वो, ये बताएं ना, जिन लोग जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना या अपने आप को अच्छा प्रोग्रामर समझते हैं, दे शुड टेल मी व्हाट इज दिस। हाँ जी, क्या चीज है ये, किसी को भी नहीं पता। क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट बैठे हैं। अबू हुरैरा आप बताइए क्या चीज है ये जिसमें हाईलाइट किया हुआ है, व्हाट इज दिस। सर ग्रिड एंड ब्लॉक साइज है। क्या है, ग्रिड एंड ब्लॉक साइज है सर। ग्रेट एंड, कोई और जवाब दे। ठीक है आपका कुछ आंसर ठीक है, लेकिन 10 नंबर आपको मिले हैं इसके 100 में से। कोई और बताए, सर ये ब्लॉक साइज है, थ्रेड्स का भी था कितने थ्रेड अवेलेबल है उसको गेट कर रहे, थ्रेड काउंट कर रहे। कोई और बताए, चलें 15 नंबर हो गए आपके 100 में से। कोई और बंदा जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो जो पावर ऑफ एनालिसिस भी सर रेंज दे रहा है और वो दे रहा है वेरिएबल दे रहा है। हाँ अभी भी 15 से ऊपर नहीं गए ना। अब ये जो चीज है ना कि यहाँ पे हमने अपने दिमाग डोमेन बता रहा है सर, वो डोमेन बता रहा है कि 1 है और वो जो थ्रेड काउंट बता रहा है कि ये थ्रेड काउंट कर रहे हैं। यार आप लोग काम नहीं किया, जस्ट एडमिट कर लें कि आप लोगों ने वक्त जाया किया है, कोई काम नहीं किया सिंस लास्ट लेक्चर, ठीक है। जस्ट एडमिट दिस फैक्ट कि आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। हाँ जी अली आप बताएं क्या चीज है। अली काम करता रहे, आप देखते हैं कि वो क्या कहता है। अगर 15 से आगे पता नहीं आप कितने मार्क्स आते हैं, अब देखते हैं कि 90 और 100 होते हैं कि उधर 15 पर रहते हैं। सर ये ब्लॉक साइज और ग्रिड का ही सर कंसीडर करता है एक्चुअली। सर मैंने पढ़ा है एक्चुअली, मैंने पढ़ा है सर, ये पढ़ा है ना सही तरीके से नहीं पढ़ा ना इसको। जेनसन वांग की नजर से नहीं देखा आपने, जेनसन वांग जो है उसकी नजर से देखें इसको, या प्रोग्रामर की नजर से देखें। दिस इज कॉल्ड कर्नल, लॉन्चिंग ए कर्नल। This function, hello is a function. ये देखें दो ब्रैकेट लगी हुई हैं, फंक्शन है कि नहीं। हेलो इज ए फंक्शन, ये कहाँ पे डिफाइन है, ये ग्लोबल के अंदर डिफाइन है। ऊपर देखें ये हेलो ग्लोबल जब हमने किया तो ये डिवाइस कोड कहलाता है। वो कहाँ पे रन होता है, GPU के ऊपर रन होता है, इसको कहते हैं कर्नल, कर्नल KERNEL, ठीक है। इस कर्नल को हम लॉन्च कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं फ्रॉम आवर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है, विच रन ऑन होस्ट, होस्ट का मतलब है CPU, ठीक है। तो हम इस कर्नल को लॉन्च कर रहे हैं और इसके लिए इसको हम बता रहे हैं कि यार आप ना ये 1 थ्रेड काउंट यूज़ करें, GPU के रिसोर्सेज में से 1 थ्रेड काउंट। अब थ्रेड काउंट कहाँ से आएगा, ये है इधर है इंटीजर है। थ्रेड काउंट इज नंबर ऑफ थ्रेड्स टू रन ऑन GPU, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, गेट थ्रेड काउंट भी कर सकते हैं। ये फंक्शन यूज कर लें STRTOL जो भी है, और इसको इधर से चला के देखें कि ये आपको थ्रेड काउंट दे देगा कितने थ्रेड्स अवेलेबल है। और 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब ये है कि एक ब्लॉक या एक ग्रिड, ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है जिसका जब आपको स्ट्रक्चर समझ आ गई, आपने STDIO किया, CUDA.h हेडर फाइल फॉर CUDA किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये ग्लोबल का काम किया, फिर आपने होस्ट फंक्शन बनाया,
उसके अंदर जो है ना आपने कर्नल को कॉल किया, ठीक है, और फिर ये जो चीज होगी, ये जो कोड है ये जीपीयू के ऊपर रन होगा, ठीक है जी। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, ये देखें थ्रेड आई डी एक्स जो है ना डॉट एक्स, थ्रेड आई डी एक्स डॉट एक्स, तो ये चीज भी जो है ना मैंने आपको वो V3 वालों का, V4 वालों को मैंने लास्ट टाइम लेक्चर दिया था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर की थी, किसी ने देखी है वो? हाँ, आप लोग नहीं करते ना, काम नहीं करते, मेरा सारा जो है ना एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है फिर। स्टूडेंट्स जो है ना वैसे टीचर के साथ पेस में नहीं जा रहे ना, अगर आप थोड़ा थोड़ा अपने टाइम को फिल्म शिल्म ना देखें, गेमिंग ना करें, रात को इधर उधर हैंकी फेंकी ना करें, तो आप जो है ना यूट्यूब भी नहीं चलती तो हैं, मेरे बहुत स्लो है सर, यूट्यूब भी नहीं चलती सर आजकल, वो इतने सारे पैकेजेस आ गए हैं, मतलब आपको वीकली पैकेज ले लें या कुछ इस तरह, नहीं पॉसिबल। चलो बहरहाल वो आपका मर्जा है, आपका आप उस मसले को ना सॉल्व करें ना, मतलब उसके कोई उनको सोल्यूशन निकालें, ठीक है। बहरहाल ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया है कि प्रोग्राम की जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने एक ग्लोबल फंक्शन यूज करते हैं, ये देखें। अच्छा इसमें ना ये वॉइड जो है ना मस्ट है यहाँ पे, ये जहाँ पे जो भी ग्लोबल आएगा उसके साथ ये वॉइड फंक्शन जो है ना रिटर्न करेगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने, ये उसने एनवीडिया वाले ने बताया है इसको, ये कूडा डेवलपर्स ने। आपने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम थ्रेड नंबर दिस, ठीक है, ये थ्रेड आईडी आ जाएगा। अब ये भी बड़ा है ना गोरख धंधा है, मैंने आपको डॉक्यूमेंट एक भेजा हुआ है 3-4 सफ़ों का, उसको दोबारा देख लें, जिसमें थ्रेड आईडी है, ब्लॉक डायमेंशन, ग्रिड डायमेंशन, पता नहीं क्या क्या वो फार्मूला बना हुआ है। तो इस चीज़ को ना, ये तो बहुत ही सादा सा प्रोग्राम है ना, सिंपल सा, तो लेकिन उसमें ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया है कि नंबर ऑफ थ्रेड जो है ना कितने हैं, और अब इसमें जो है ना ये आर्गूमेंट काउंट और आर्गूमेंट वैल्यू जो है ना आपने सप्लाई करनी होगी रन टाइम पे ना, जब आप इसको कंपाइल करेंगे पहले, तो जो पीछे मैंने NVCC वाली कमांड बताई थी, ये वाली, ये NVCC.o-o CUDA hello.cu, तो ये CU फाइल जो है ना आपके रनिंग होनी चाहिए, इससे आउटपुट ये बनेगी। आउटपुट को आप इस तरह चलाएंगे, वन थ्रेड के साथ चलाएंगे तो वन लिखेंगे, तो ये दो काम करने हैं आपने। उसके बाद अगर आपने थ्रेड बढ़ाने हैं तो 10 के साथ कर लें, ठीक है, ये 0, ये देखिए 10 हो गया, 10 थ्रेड्स के साथ 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो बहरहाल अब आपको ना बेसिक समझ आ गए, उसी ने फिर इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन किया, क्लोजर लुक भी बताई हुई है कुछ सारे प्रोग्राम को, अगर आपको फिर भी किसी को नहीं समझ आया तो यू शुड रीड दिस स्टफ। सर एक ना फंक्शन यूज हो रहा था CUDA malloc के नाम से, हाँ सर वो क्या करता है एक्चुअली उसका? सर मैं रात को पढ़ रहा था लेकिन मुझे ना समझ नहीं आया CUDA malloc क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है उसके ऊपर हम आते हैं, वो मेमोरी से रिलेटेड है ना, मेमोरी से रिलेटेड है, हम थोड़ा सा लीनियरली चलते हैं ताकि आपको ना एक पूरी एक फीलिंग आ जाए ना कि वो कह रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा इसमें फिर एक और काम आपने ये करना है कि ये जो है ना तीन ये ब्रैकेट यूज करनी है, ये 1, 2, 3, ये दो नहीं है, वो सी आउट वाली नहीं है, ठीक है, ये सी एन वाली नहीं है, सी प्लस प्लस में जो आप यूज करते रहे, यहाँ पे तीन के अंदर डालना है जी। अब ये जो चीज है ना यहाँ पे इसको हमने खुद सेट करना है, ये सबसे क्रिटिकल काम है, ये वाला जो वन कॉमन थ्रेड काउंट है, आपको मैंने होमवर्क जो पता नहीं 4 है कि 5 है रात को मैंने शेयर किया, उसमें सारा काम इसी के ऊपर करना है, मतलब काफी सारे क्वेश्चन है, उनको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका माइंड जो है ना प्रोग्राम हो जाएगा, चीजों को समझने के काबिल हो जाएंगे आप, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने ये बताना है कि कितने रिसोर्सेज हमने यूज करने हैं, ये तो ग्रेड साइज क्या होगा, ब्लॉक साइज क्या होगा, थ्रेड्स कितने हमने यूज करने हैं, थ्रेड्स के आईडीज क्या होंगे, थ्रेड आईडी डॉट एक्स, अभी देखें ना थ्रेड आईडी डॉट एक्स का क्या मतलब है, ठीक है। तो उस चीज को ना आप एक ग्रेड की शक्ल में लेते हैं, तो एक्स वाई जी डायमेंशन जो होंगी ना यहाँ पे एक्स वाई जी तीन डायमेंशन, जिस तरह कमरे के अंदर होता है ना, तो एक एक्स डायमेंशन, अब एक्स डायमेंशन में कितने थ्रेड्स हैं, वाई डायमेंशन में कितने थ्रेड्स हैं, और ग्रुप ऑफ थ्रेड जो होते हैं वो आपको पता है ब्लॉक बनता है, और ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो ग्रिड बनती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई एक्स डायरेक्शन में कितने थ्रेड्स चल रहे हैं, वाई में कितने, अब जिस तरह एक ब्लॉक है फॉर एग्जाम्पल उसमें 3x2 है ना, ब्लॉक के अंदर 3x2 3 जो है ना आपकी रोज होंगी या 2 कॉलम हो गए ना, 3x2 का ये मतलब, तो टोटल 6 थ्रेड्स हो गए, तो 3 रोज बनेंगी ऊपर नीचे,
तो वर्टिकली आपके तीन थ्रेड्स आ गए और कॉलम वाइज जो है ना दो दो आपके बन जाते हैं इस तरीके से 3x2 जो है ना। तो ये एक्स जो है ना यहाँ पे देखे ना एक्स डायमेंशन को शो कर रहे हैं ठीक है। इस इधर वाई भी हो सकता है इधर जी भी हो सकता है, वो मेरी स्लाइड मैंने शेयर की थी पता नहीं किसी ने देखी है या नहीं, लेकिन उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं ठीक है। अब यहाँ पे इसने देखे थ्रेड काउंट डिवाइड बाई 2 कर दी है ये देख, तो इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स को अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है तो यहाँ पे दो आ जाएंगे आप। ब्लॉक भी हो सकता है इसको या फिर इसको ये एस पी कह रहे हैं। रिकॉल दैट एनवीडिया जीपीयू कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स एंड ईच स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ स्ट्रीमिंग प्रोसेसर्स ठीक है। तो व्हेन कूडा कर्नल रन्स, कर्नल जब भी आएगा तो ये एक फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे और ये वो फंक्शन होगा जो जीपीयू के ऊपर रन करेगा। ईच इंडिविजुअल थ्रेड विल एग्जीक्यूट इट्स कोड ऑन एन एसपी विद वन एज द फर्स्ट वैल्यू इन एंगल ब्रैकेट्स, ये एंगल ब्रैकेट्स हैं आपकी ये वाली, एंड ऑल द थ्रेड्स दैट आर स्टार्टेड बाय द कर्नल कॉल विल रन ऑन सिंगल एसएम सिंगल स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर। एस एम बड़ी चीज है और एस एम के अंदर छोटे जो है वो एस पीज हैं, एस पी को हम कोर भी कहेंगे ठीक है ना। एस पीज कितनी है, कोर्स उसके अंदर कितनी है, एस एम जो होगा वो चूंकि मल्टीपल कोर्स हैं या मैनी कोर्स हैं और हजारों के हिसाब से होंगी तो आप जो है ना उसको स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर का नाम देंगे ठीक है। कूडा ऑर्गेनाइजेज थ्रेड्स इन टू ब्लॉक्स, ये वाला भी चक्कर ना आपको सुनना जरूरी है, ये थ्रेड्स और ब्लॉक्स, अ थ्रेड ब्लॉक और जस्ट ए ब्लॉक is a collection of threads that run on a single streaming multiprocessor. In kernel call, the first value in the angle bracket specify the number of thread blocks. तो ये blocks हो जाएंगे, ये कितने blocks इस वक्त कह रहा है कि एक block use कर रहा हूँ और उसके अंदर इतने threads होंगे, इसको 2 कर देंगे तो thread count divide by 2 हो जाएगा ठीक है, and so on इस तरीके से ना। तो ग्रिड क्या चीज है, ग्रिड इज ए कलेक्शन ऑफ थ्रेड ब्लॉक्स स्टार्टेड बाय द कर्नल ठीक हो गया। तो अब आपको थ्रेड का भी पता चल गया, आपको ब्लॉक का भी पता चल गया और ग्रिड जो है ना सबसे ऊपर ठीक है। तो अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे ना ये कुछ हैं जो कि कूडा के अपने स्पेसिफिक हैं, मैं फॉर एग्जांपल ब्लॉक डिम ब्लॉक डायमेंशन शेप और साइज ऑफ द थ्रेड ब्लॉक्स, ये देखें आप इसमें तीन चार चीजों का जिक्र कर दिया, डायमेंशन कितनी है, एक्स वाई जी है, शेप या साइज, ये तीनों के तीनों जो है ना साइमल्टेनियसली डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थ्रेड आईडी एक्स होगा रैंक और इंडेक्स ऑफ द थ्रेड इन इट्स थ्रेड ब्लॉक, थ्रेड ब्लॉक के अंदर चूंकि मल्टीपल थ्रेड हैं तो उस हर एक का रैंक या उसका इंडेक्स क्या होगा। सपोज अगर एक्स डायमेंशन में तीन थ्रेड हैं तो पहले का रैंक हो जाएगा 0, फिर अगले का 1, 2, इस तरीके से थ्रेड आईडी एक्सेस को हम कहेंगे ठीक है। अब ये प्रोग्राम देखें, इसके अंदर उसने क्या काम किया हुआ है, इसकी आउटपुट कहीं बताई है इसने, ये वाली इसकी शायद आउटपुट है मेरे ख्याल में ना, इस तरह की कुछ। अब यहाँ पे देखें ग्रेड डायमेंशन डॉट एक्स 2 है, ग्रेड डायमेंशन वाई में 3 है, ग्रेड डॉट डायमेंशन डॉट जी में 1 है, 4 है एंड सो ऑन ठीक है। तो यहाँ पे उस प्रोग्राम के अंदर उसने इसी चीज को ना प्रिंट किया हुआ है। अब इसके भी दो ऐसे हैं, अब यहाँ पे देखें उसने ये ग्लोबल बनाया, ग्लोबल का मतलब है कि जिस प्रोग्राम में ग्लोबल होगा तो वहां जीपीयू यूज हो रहा है। अब यहाँ पे उसने यहाँ पे देखें क्या किया इसने कि ब्लॉक काउंट और ये वेरिएबल जो है ना आप अपनी मर्जी के सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह आप यहाँ पे उसने ब्लॉक काउंट या नंबर ऑफ थ्रेड ब्लॉक्स हैं और थ्रेड्स पर ब्लॉक ये आपने एक इंटीजर डिफाइन किया हुआ है। फिर वो कहता है कि ब्लॉक काउंट इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू, ये क्या फंक्शन होता है, एसटीआर का क्या मतलब होता है, स्ट्रिंग टू इंटीजर, एक होता है ना आस्की टू इंटीजर, ए टू आई होता है, एक होता है स्ट्रिंग टू इंटीजर, या इस टाइप की कुछ चीज है, इस फंक्शन को देख ली ठीक। तो इसने क्या किया, गेट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स फ्रॉम द कमांड लाइन, ये अब आप खुद बताएंगे इसको, गेट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक काउंट आपको ये चूंकि आर्गूमेंट्स है ना ये कमांड लाइन आर्गूमेंट्स में आते हैं, तो इसी तरीके से आपने थ्रेड्स पर ब्लॉक भी आपने कमांड लाइन से लेना है ठीक है। जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसके बाद ये ब्लॉक काउंट और थ्रेड
पर ब्लॉक आप यहाँ पे सप्लाई करेंगे, फिर आप हेलो को कॉल करेंगे। उस पहले में ये था कि हमने फिक्स किया हुआ था, इसमें अब थोड़ा सा रन टाइम पे हम थ्रेड्स भी और ब्लॉक्स भी खुद सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज करने के बाद उसने प्रोग्राम को रन किया इस तरीके से, तो अब ब्लॉक काउंट जो है ना, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है वो ग्रिड डायमेंशन इन एक्स डायरेक्शन, और थ्रेड्स पर ब्लॉक जो है वो क्या बन जाएगा, वो उसकी ब्लॉक डायमेंशन इन एक्स डायमेंशन, ये चीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये अभी हम देख रहे हैं कि 1D में देख रहे हैं हम चीजों को ना। अच्छा, अगर उसमें वाई और जी फील्ड भी अगर इनिशियलाइज कर दें, अगर मेंशन नहीं करेंगे तो वो नॉर्मली 1 कंसिडर होंगे, अगर मेंशन कर देंगे तो फिर आप किस तरह करेंगे, डिम 3 करेंगे ऐसे, ये देखें डिम 3, ये भी ना रिजर्व वर्ड हैं, वेरिएबल, ये डेटा टाइप है एक तरह से ना, ये कूडा की अपनी को डेटा टाइप है। तो अब उसके अंदर उसने आपने दो चीज़ें बताई हैं, ग्रेड डायमेंशंस और ब्लॉक डायमेंशंस, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने ग्रिड डायमेंशंस कितनी हैं, 2 हैं एक्स डायरेक्शन में और 3 जो हैं वो वाई में है, और जी में 1 है, ठीक है ना। अब ये देखें 1 है ये, इस तरीके से ब्लॉक की जो डायमेंशन है, ब्लॉक भी 3D में हम जा रहे हैं, यानी हमारे जो थ्रेड्स होंगे वो 3 डायमेंशन में। तो टोटल थ्रेड्स कितने हो गए, 4 × 4 = 16 और 4 = 64 हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो 64 हमारे थ्रेड्स बन गए, ये देखें 4 × 4 × 4, तो ये 64 थ्रेड्स आ गए, ये देखें। और ब्लॉक्स हमारे कितने, 2 × 3 × 1, 6 ब्लॉक्स होंगे। तो हमारी 6 ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय 64 थ्रेड्स, तो कुल कितने थ्रेड्स हो गए, 6 को 64 से मल्टीप्लाई करें, ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही, इट्स वेरी सिंपल। तो ये आपके पास टोटल जो है ना 64 × 6 करें तो इतने थ्रेड्स बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ होती है इसकी, एनवीडिया कंप्यूट कैपेबिलिटी और डिवाइस आर्किटेक्चर। कंप्यूट कैपेबिलिटी जो GPU की होती है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A.B से। A.B का क्या मतलब है, A का मतलब है कि मेजर रिवीजन, इसकी क्या है मेजर रिवीजन नंबर। पहली आर्किटेक्चर आई फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 4, 5, 6, 7, 8, अब इसके अंदर फोर्थ रिवीजन मिसिंग है, ठीक है। तो ये नंबर अगर 1, 2, 3, 7 up to 8 तक जा रहा है, इस वक्त करंट जो है ना वो 8th जनरेशन चल रही है, और इसके अंदर जो बी है, ये वाला जो बी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनर रिवीजन को, ठीक है। इस तरीके से उसकी कंप्यूट कैपेबिलिटी जो है ना इस तरह बनाए कि जो एम्पियर है फॉर एग्जांपल, ये GPU आर्किटेक्चर्स हैं, एम्पियर, टेस्ला, फर्मी, केपलर, मैक्सवेल, पास्कल, वोल्टा और ट्यूरिंग, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि एम्पियर की सबसे ज़्यादा है, यानी इस लेटेस्ट है ये, फिर उसके बाद टेस्ला 1.B है, फर्मी 2. केपलर हो गया, मैक्सवेल, तो ये पूरी जो है ना, अब आगे क्वांटम टू भी आने वाला है, क्वांटम 2 ना। तो अब ये आपको पता चल गया कि जितनी आपकी कंप्यूट कैपेबिलिटीज है ना ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 3 है, ग्रेटर देन 1 है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो प्रोग्राम लिखना है वो किस GPU को टारगेट कर रहा है। अब ग्रेटर देन 7 जब आप करेंगे तो इसका मतलब आप वोल्टा यूज़ कर सकते हैं, आप ट्यूरिंग यूज़ कर सकते हैं और आप एम्पियर यूज़ कर सकते हैं, तो ये GPU के आर्किटेक्चर आ जाएंगे, ठीक है। फिर ऑब्वियसली उसके अंदर नंबर ऑफ थ्रेड्स वगैरह उस हिसाब से टेबल, तो ये सारा जो है ना बेसिक इंट्रोडक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट फैमिलीज हैं, ठीक है, ये सारी फैमिलीज हैं, ये टोटल जो है ना कोई 7, 8, 10 फैमिलीज इनकी हैं, इनकी डिफरेंट कंप्यूट कैपेबिलिटीज हैं। और भी इसके अंदर फीचर्स होते हैं, वो आप स्लाइड वगैरह में मैंने शेयर की थी, वो देख लें वहाँ से, बुक के अंदर देख लें। अच्छा, अब उसके बाद ना चैप्टर 6 के अंदर वेक्टर एडिशन है, अब इसके लिए प्रोग्राम लिखना है, ये आप कर चुके हैं, आपने रन भी किया है इसका पहले कर्नल देखें, कर्नल क्या है कि इसके अंदर अब यहाँ पे ना इसमें अब ये जो काम इसने किया है ना, ये सबसे ज़्यादा वो है इम्पॉर्टेंट काम है कि ये जो माई ELT है ब्लॉक डायमेंशन डॉट एक्स,
ब्लॉक इनटू ब्लॉक आईडी डॉट एक्स प्लस थ्रेड आईडी डॉट एक्स, ये कैसे इसने किया है ना, तो ये उसको बता रहा है कि टोटल थ्रेड्स इज इक्वल टू ब्लॉक काउंट मल्टीप्लाइड बाय थ्रेड्स पर ब्लॉक मे बी ग्रेटर देन एन, इफ माय ईएलटी इज लेस देन एन, तो ये काम करो, ये वेक्टर एडिशन हो रही है। अब देखिए ना माई ई एल टी उसने इंडेक्स जो है ना यहाँ से बनाया है ये वाला, ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है, आप किस तरह के थ्रेड्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं, और जब वो इंडेक्स बन जाए तो फिर आपने ये लूप लगाई, ठीक है, और उसमें वेक्टर एडिशन का काम किया, और ये वेक्टर ऐड फंक्शन है, ये देख रहे हैं वेक्टर ऐड फंक्शन जो है या कर्नल, ये कर्नल है, इसको हम क्या कहेंगे कर्नल, और ये void return कर रहा है, ये बहुत important है void return करना, ठीक है। उसके बाद आपने ये main function लिखा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें pointers जो है ना ज़्यादातर यूज होते हैं, ये देखना सिंगल pointers जो है ना, और फिर उसके बाद आपने ये arguments लिए, block count आपने क्या क्या arguments लिए, आपने n जो है ना लिया, n का क्या मतलब है, what is n, एन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन इज द वेक्टर लेंथ, ये जो वेक्टर है कितने इसमें एलिमेंट होंगे, एन का मतलब ये है। उसके बाद ये थ्रेड्स पर ब्लॉक कितने यूज करेगा, ब्लॉक काउंट कितना यूज होगा, ये सारी चीजें ना, ये हम ये गेट आर्गुमेंट्स ये कमांड लाइन से हमने देने हैं, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। आप कहते हैं जी कि मैं 1000 एलिमेंट्स के वेक्टर्स जो है ना ऐड करना चाहता हूँ, मेरे पास वेक्टर्स हैं जिसमें 1000 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 50, 70, 900, 300 एंड सो ऑन, इस तरह आपके पास 1000 एलिमेंट्स का वेक्टर है, वेक्टर ए, फिर इस तरह वेक्टर बी आ गया, ठीक है, तो आपने ये काम कर दिया। फिर आपने एलोकेट वेक्टर्स, अब इसका क्या मतलब है एलोकेट, अब आपने ये काम क्या किया, ये एलोकेट वेक्टर्स का फंक्शन कहाँ पर है, वो इधर नज़र आ रहा है कहीं पर, अब ये या तो कूडा का अपना फंक्शन है या यूजर डिफाइंड फंक्शन है, सर कूडा का डिफाइंड फंक्शन, कूडा का डिफाइन, इसकी ज़रा डिटेल देखेंगे ये क्या बताता है, ये क्या करता है एलोकेट वेक्टर का क्या मतलब, क्योंकि उसके बाद जो है ना आगे इनिशलाइज वैक्टर भी आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे इनिशियलाइज वेक्टर या इनिट वेक्टर में हम शायद वैल्यूज उसके अंदर फिल अप कर रहे हैं, वेक्टर्स के अंदर वैल्यूज भी होनी, पहली चीज़ तो ये होगी ना साइज क्या है, फिर उसके अंदर वैल्यूज क्या होंगे, जब ये सारी इन्वायरमेंट हम सेट कर लेंगे देन वी विल इन्वोक द कर्नल एंड वेट फॉर इट टू कम्प्लीट, वेट फॉर इट कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा, ठीक है। तो ये अब जीपीयू के वाले हमने काम कर दिया, वेक्टर एड का मतलब है वी लॉन्च द कर्नल, इट विल कम हेयर, then these things will be computed on the GPU, then when the results are available then we move forward, ठीक है, और फिर हम इसको compare करेंगे, ये चूंकि parallel में हमने काम किया है, इसको हम serial vector addition से compare करेंगे कि हमारे results ठीक भी आएंगे नहीं, कुछ गलत तो नहीं होगा, बेशक serial काम जो होगा slow होगा, parallel में काम fast होगा, लेकिन obviously दोनों का results same होना चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे difference लेंगे, आपने दोनों का डिफरेंस लिया, इधर से हमारे पास z आ रहा है, उधर से cz है, इधर से n जो है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, जब ये कंपैरिजन किया तो टू नॉर्म ऑफ डिफरेंस बिटवीन होस्ट एंड डिवाइस जो है वो ये हमने डिफरेंस ले लिया उसको, फिर उसके बाद हमने वेक्टर्स को फ्री कर दिया ये, ठीक है, यानी मेमोरी को फ्री कर दिया, एलोकेट का मतलब है एलोकेट मेमोरी, और एलोकेट वेक्टर का मतलब है कि वो हर एक जो वेक्टर है ना, हर एक वेक्टर जो जीपीयू का है उसको एलोकेट करता है, उसकी मेमोरी को एलोकेट करता है, मेमोरी को, ये देखें ना, ये उसका स्टार्टिंग एड्रेस है एक्स का, फिर उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी डिफाइंड बाय एन, एक्स जो है कितनी डेप्थ है उसकी, वाई के अंदर कितनी डेप्थ है, जी के अंदर कितनी डेप्थ है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं दैट इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो एक्चुअली अगर ये जो भी हमने अब एक्स वाई जी जो है ये इनकी टाइप क्या है, एक्स वाई जी को किधर हमने डिफाइन किया है, इसकी टाइप क्या है जी, ये देखें ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये चेंज नहीं हो सकते, ये फ्लोट वैल्यूज स्टोर करेंगे, और ये वन डायमेंशनल नंबर्स हैं। अब फ्लोट जो होगा उसकी कितनी मेमोरी लेनी है, मेमोरी एलोकेशन
दैट विल बी डिफाइंड बाई फ्लोट, या डबल है या नंबर जो भी है, ठीक है। तो फ्लोट अगर 8 बाइट ले रहा है या 16 बाइट या जितना भी उसका है, इस तरह कांस्टेंट इंटीजर जो है ये नंबर भी फिक्स्ड है, यू कैन नॉट चेंज इट, ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ग्लोबल इस कर्नल के अंदर यूज हो रहे हैं और ये फिक्स्ड है। जब आप एक दफा डिफाइन कर लेंगे दे विल बी फिक्स्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे इसने इसका यहाँ पे अंदर डायमेंशन नहीं बताई हुई ना, ये इसको ओपन एंडेड रखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? लेकिन x को अगर हम इस तरह करें तो इसके अंदर अगर हम सपोज 100 कर दें, इसकी वजह ये है कि वो यूजर से ना n लेगा ना, और फिर ये चेक लगाएगा यहाँ पे, इससे पता चलेगा कि कितनी दफ़ा ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ना ये प्रोग्राम आपको रखने समझ आ गया होगा। फिर कर्नल का उसने बताया कर्नल क्या होता है, ठीक है। अब ये चीज़ उसने अब देखें चार ब्लॉक यूज़ किए हैं और हर ब्लॉक के अंदर 5 थ्रेड्स हैं, ये 4 ब्लॉक्स इंटू 5 थ्रेड्स पर ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स इंटू 5 थ्रेड्स पर ब्लॉक, तो टोटल 20 जो है ना थ्रेड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप रैंक भी निकाल सकते हैं कि कौन सा थ्रेड है, ब्लॉक डायमेंशन डॉट एक्स इंटू ब्लॉक ये वाला प्लस थ्रेड आई डी, तो इस स्ट्रक्चर को यूज करके आप ये वाले काम कर सकते हैं कि उसका जो इंडेक्स है वो कहाँ पर है। फिर ये एडिशन उसने की, फिर चेक लगाया, उसने कहा 997 तक मैंने करना है, ठीक है। फिर 997 थ्रेड जो है ना उसने यूज़ किए, क्योंकि एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन हो रही है तो यू नीड नंबर ऑफ थ्रेड जो है ना वो भी 99 हो जाएंगे, 997 हो जाएंगे। फिर ये सीरियल वेक्टर ऐड उसने बताया वो फंक्शन, ये सीरियल वेक्टर एडिशन हो रही है फंक्शन में। फिर उसके बाद एलोकेट वेक्टर्स का उसने बताया, मैनेजिंग द मेमोरी, तो ये फ्लोट है जो कि एन एलिमेंट एरेज हैं और फ्लोट हैं, तो उसका उसने बता दिया। फिर होस्ट के अंदर जो है ना हम एरर चेकिंग भी कर रहे हैं ये वाले ना, एरर कूडा एरर अंडरस्कोर टी, ये भी फंक्शन यूज होता है, कूडा मलॉक मैनेज्ड, एक होता है ना मलॉक मेमोरी एलोकेशन, दूसरा ये वाला भी है, इससे भी आप ये काम कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, और कूडा मलॉक भी यूज़ होता है, कूडा मलॉक मैनेज भी है, इसकी आपको डिटेल जो है ना उसके प्रोग्रामिंग जो रेफरेंस मैनुअल है उससे आपको पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता इसके कि दोनों में फ़र्क क्या है ना, लेकिन ये बैरल मेमोरी एलोकेशन के लिए ये फंक्शन यूज़ होता है ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद ये गेट आर्गूमेंट्स फंक्शन उसने बनाया हुआ है, ये यूज़र से इनपुट ले रहा है, ठीक है, और ये सारे काम उसने ना बताए। तो अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसने ना ये प्रोग्राम लिखा हुआ, एलोकेट वेक्टर्स फंक्शन बनाया हुआ है उसने। फिर उसमें देखें ये एलोकेट वेक्टर के अंदर वो मेमोरी एलोकेशन कर रहा है, ये देखें जी सर, ये मैंने पढ़ा है, ये जहाँ पे एलोकेट वेक्टर के फंक्शन के अंदर ही है क्यूडा मलॉक यूज होगा। तो ये मेमोरी एलोकेशन जो है ना इस एक्स को, एक तो स्टार्टिंग एड्रेस हो जाएगा, फिर नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, और फिर हर एलिमेंट का साइज क्या होगा, वो कितनी बाइट लेगा। तो आपको पास एन जब डिफाइन हो गया और साइज ऑफ फ्लोट का आपको पता चल गया कि वो 8 बाइट्स हैं, 8 बाइट्स इनटू 997 फॉर एग्जांपल, तो इतने एलिमेंट को वो मेमोरी एलोकेट कर देगा, इतनी बाइट्स एलोकेट हो जाएंगी। इसी तरीके से कूडा मलॉक मैनेज फॉर वाई के लिए होगा, फिर जी के लिए होगा, और सी जी जो है ये क्या कर रहा है, सी जी में अंदर रिजल्ट आ रहे हैं और ये रिजल्ट होस्ट के ऊपर स्टोर होगा, ठीक है। इसको भी मेमोरी चाहिए, इसको क्या कितनी चाहिए, इसके अंदर भी मलॉक फंक्शन उसने यूज़ किया। कूडा जो है ना, कूडा मलॉक और मलॉक में क्या डिफरेंस है कि मलॉक जो होगा वो होस्ट पे चलेगा, सी प्लस प्लस कंपाइलर इसको हैंडल करेगा, ठीक है, ये सी लैंग्वेज का, जबकि कूडा मलॉक जो होगा ये जी पी यू के ऊपर मेमोरी एलोकेशन हो। तो इसका मतलब है कि दिस मेमोरी इज एक्चुअली रिजर्व्ड ऑन द जी पी यू, जो कि उसकी ग्लोबल मेमोरी भी हो सकती है, उसकी शेयर्ड मेमोरी भी हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल डिवाइस मेमोरी है ना, ग्लोबल मेमोरी जो मैंने पीछे डायग्राम दिखाई थी आपको, तो ये मेमोरी जो होगी दिस इज रिजर्व्ड ऑन द सीपीयू। तो ये पेज नंबर 321 को देख लें और ये डायग्राम दोबारा देख लें, ये जो पीछे है आई थिंक यू नो अंडरस्टैंड इट, ये वाली डायग्राम ये देख, ये शेयर्ड मेमोरी, ये ग्लोबल मेमोरी, ग्लोबल मेमोरी का मतलब है डिवाइस मेमोरी, जीपीयू की मेमोरी, इधर जो है आपकी मेन मेमोरी। अब ये जो
सी जब रिजल्ट इधर से इधर आ जाएगा तो इसके अंदर स्टोर होगा, उससे पहले ये ग्लोबल मेमोरी यूज कर रहा होगा, ग्लोबल से डेटा उठाकर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर अपनी शेयर्ड मेमोरी में ले आएंगे, शेयर्ड मेमोरी से डेटा जो होगा एसपीज के पास जाएगा, एसपीज जो है ना वेक्टर एडिशन करेंगे और फिर हम जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके हिसाब से कोर जो है ना वो डिफाइन होंगे। ठीक है जी, तो ये एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आ गई। और फिर उसके बाद किधर गया वो 300 कौन सा पेज था, हाँ यहाँ तक हम पहुँच गए सीरियल। अच्छा हम किधर पहुँच गए थे, हाँ ये 320 करते थे। हाँ अब ये सारा जो है ना बड़ा मतलब बड़ा लॉजिकल है, आपने वेक्टर्स को फ्री करने का मतलब है मेमोरी को फ्री कर दिया। कूडा फ्री का क्या मतलब है कि दिस इज द मेमोरी दैट इज फ्रीड फ्रॉम द जीपीयू डिवाइस। ठीक है, तो आपने जितनी एलोकेशन की थी वो आप फ्री कर दिया आपने। ठीक है, फिर कूडा मेम कॉपी से आप क्या करते हैं डेटा को कॉपी करते हैं फ्रॉम होस्ट टू डिवाइस। तो ये फंक्शन उसने सारे बता दिए आपको ना। अब ये सारा प्रोग्राम जो है ना अगर आप लोग लिखें इसको चलाएं, इसको गूगल को लैब पर चलाएं, ठीक है, तो यू विल डेफिनेटली गेट एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। इसमें आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ थ्रेड्स, ब्लॉक्स, आप डिवाइस सेलेक्ट करें। ठीक है, अब ये मलॉक फंक्शन क्या है, ये होस्ट प्रोसेसर के ऊपर, होस्ट प्रोसेसर के ऊपर मेमोरी एलोकेशन है। कूडा मलॉक का क्या मतलब है कि इट इज द मेमोरी इज रिजर्वड ऑन द डिवाइस और जीपीयू, तो एलोकेशन ऑफ वेक्टर्स यहाँ तक ख़त्म होगी, वेक्टर्स को हमने एलोकेट कर दिया, वेक्टर एडिशन प्रोग्राम है। ठीक है, फिर एरर चेकिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अगर आपके रिजल्ट्स जो है ना ठीक नहीं आए, रिटर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम कूडा कर्नल्स, तो उसके अंदर आपने ये देखें कि ये अब एडिशन के जो रिजल्ट हैं वापस आ रहे हैं इधर से, आपके जो सम पी है बेसिकली, और सम पी इनिशियल आपने किया -5 था, फिर उसके अंदर आपने वेक्टर ऐड किए और उनका रिजल्ट्स आ गया, फिर उसको आपने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये वन ब्लॉक है, वन थ्रेड है इसके अंदर। और 2-3 का क्या मतलब है यहाँ पे, ये एक्स और ये वाई है ना, ये एक्स और वाई की वैल्यू, सिंगल स्केलर एडिशन है ये देखें। ठीक है, और इसमें ये देखें ना पास बाई रेफरेंस और पास बाई वैल्यू जो है ना आपको पता है कि आपने करना होता है। अब यहाँ पे हम सम का जो है ना एड्रेस दे रहे हैं, इधर जो है ये पास बाई वैल्यूज हो रहे हैं, ये पास बाई रेफरेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ व्हाट इज जीपीयू प्रोग्रामिंग। और ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपने ना इस प्रोग्राम को थोड़ा सा दोबारा रिविजिट करें। उस दिन जो था ना आपने सिर्फ एनवायरनमेंट से फेमिलराइज किया था, अब आपका जो असल काम है जिस पे आपकी एवेल्यूएशन होनी है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आपको कोड भी दे दिया गया है, आपको जो है ना सॉल्यूशन भी उसके अवेलेबल है। आपको सबमिट LMS पे करवाना है ना, वो LMS के ऊपर जो है ना उसका स्नैपशॉट जो है ना, ये रात को शहरोज ने किया था लेकिन मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इन्होंने क्लस्टर भी बना लिए। शहरोज आप क्लास में मौजूद हैं, ये शहरोज है ना सारी रात काम करता रहता है ना, और फिर दिन को रात को मेरी रात को बात हुई थी शहरोज से, उसने हाँ। ये मैट्रिक वाला नहीं लेकिन उसने वो क्लस्टर वाला काम कर लिया। हाँ क्लस्टर, उसने ना 4 रेस्पबेरी पाइज को मिलाकर तो उसने क्लस्टर एक बना लिया। मैं उसे कहूँगा कि वो आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी दे दी नेक्स्ट क्लास में ना, अगर वो अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद ना ये सारी एप्लीकेशन शुरू हो जाती है, मसलन ट्रेपेज़ॉइडल रूल आपको पता है क्या करता है, आपने ट्रैप फंक्शन जो है ना होमवर्क 2 में भी और 1 में भी आपने इस पर काम किया हुआ है, इसको आपने जीपीयू के ऊपर। अब देखें ये है कि अगर आप ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चला लेते हैं और फिर उसके बाद हम ट्रेपेज़ॉइडल रूल जो है ना, हो सकता है इसकी असाइनमेंट क्विज नंबर 4 में आ जाए ना, तो ये ट्रैप फंक्शन जो है ना सीरियल ट्रैप फंक्शन के बने यहाँ पे, इसको हमने करना है पैरेललाइज कूडा के ऊपर, कूडा इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। ठीक है, और ये देख रहे हैं ना ये बार बार ये चीज़ आ रही है ये जी। ठीक है, तो ये ट्रैप फंक्शन जो है ना उसने कॉल किया हुआ है और फिर उसमें अपडेट कर रहे हैं, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन, रिटर्न वैल्यूज़,
तो ये चैप्टर 6 के अंदर जो है ना CUDA प्रोग्रामिंग उसने बताई हुई है। अच्छा उसके बाद ना एक और चीज होती है रैपर या रैप वार्प उसको बोलते हैं शायद ना, ये तो रैपर फंक्शन है। रैपर फंक्शन क्या चीज होती है? ये देखिए ट्रैप रैपर, रैपर फंक्शन क्या है ये? रैपर जो है ना शायद वो उसको मेन फंक्शन को कह रहा है मेरे ख्याल में, किसको कह रहा है ये? ये सारा उसने देखा ना ये ग्लोबल है, ये डेवलप रैप ट्रैप और फिर उसके बाद ये आपका मेन फंक्शन है होस्ट कोड और ये ट्रैप रैपर जो है ना, इसको देख लीजिएगा कि इसका क्या मतलब बनता है ना। ये एक्चुअल वो फार्मूला है जो कि ट्रेपेज़ॉइडल रूल को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और चूंकि इसमें एडिशंस हो रही हैं पार्शियल रिजल्ट्स जो इन थ्रेड से आ रहे हैं और फिर थ्रेड काउंट भी आपको ब्लॉक काउंट और थ्रेड्स पर ब्लॉक आपको बताना पड़ेगा, ए भी बताना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक है, एच ओ एस का स्टेप साइज है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं और थ्रेड ट्रैप पी ये पता नहीं अब क्या चीज़ है, ये फार्मूला है शायद ये वाला, ये देखिए ट्रैप पी ये इसका इनिशियल वैल्यू जो है ना यहाँ से तो जा रही है। तो इस प्रोग्राम को भी आप रन करें देखें और अंडरस्टैंडिंग जो है ना आप इसकी लर्निंग की कोई लिमिट नहीं है ना, जितना आप दिल चाहे उसमें ऐड करते जाएं, ठीक है। अच्छा अब ये जो है ना ये देखें जो मीन रन, अच्छा उसके बाद ना परफॉर्मेंस चेक करते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्म का जो कॉर्टेक्स प्रोसेसर है, कॉर्टेक्स आर्म प्रोसेसर आपको पता है ये बहुत ज़्यादा, ये कॉर्टेक्स जो आर्किटेक्चर है ना ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। कॉर्टेक्स इसकी क्लॉक स्पीड है 2.3 गीगाहर्ट्ज़, एसएमपीज और एसएमपीज इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सीपीयू है और एनवीडिया के अंदर 1192 जो है ना एसएम्स और एसपीज हैं, ठीक है। इंटेल कोर i7 के अंदर थ्रेड्स ये वाली चीज़ें नहीं है, मल्टी कोर्स नहीं है, ये 3.5 गीगाहर्ट्ज़ बस। इसके बाद एनवीडिया GeForce और GTX टाइटन जो सीरीज है उसके अंदर 24 जो है SMs हैं ये वाली, इसमें ये देखें ना कामा लगा हुआ है ना, तो SMs जो है ना इसके अंदर सिर्फ एक है और SPs जो हैं वो 192 हैं। 24 इसके अंदर SMs हैं, स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर्स, और ये सिमेट्रिक प्रोसेसर्स। SM बड़ी चीज़ है, SM के अंदर SPs होते हैं, ये 3072 जो है ना कोर्स हैं इसके अंदर, 3072 कोर्स। ये देखें इसकी स्पीड भी कम है, इनकी प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा है, लेकिन आप इधर देख लें कि ARM के ऊपर कोड चलाया आपने तो 33.6 मिली सेकेंड लगे हैं, 33.6 मिली सेकेंड। NVIDIA पे चलाया इस पर तो 20.7 मिली सेकेंड लगे। इंटेल कोर i7 पे चलाया, इसकी प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा थी तो ये 4.48 मिली सेकेंड लगे। NVIDIA GTX पे चलाया तो 3.08 मिली सेकेंड लगे ट्रेपेज़ॉइडल रूल को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो सीरियल प्रोग्राम और CUDA प्रोग्राम, अब आपको परफॉर्मेंस समझ आ रही है कि बेशक इसकी प्रोसेसर की स्पीड कम है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा है लेकिन GPU से ये इन्फीरियर है। ये देखें ना NVIDIA ने इंटेल को बीट कर दिए, और बीट किस तरह किया उसने, इसकी हार्डवेयर कम है कम्प्लेक्सिटी, इसकी हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। डिवाइस का जो चिप का साइज होगा, हो सकता है दोनों हाथ में उठाकर देखें तो 5 mm by 5 mm की चिप दोनों की होगी, ठीक है। हो सकता है एक का वजन ज़्यादा हो दूसरे का कम हो, पत्थर है मतलब है, जिस तरह पत्थर होता है। तो ये इस स्पीड पे चल रहा है, ये इस पे चल रहा है, ये इसकी परफॉर्मेंस है। इसमें नंबर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है इंटेल कोर i7 में, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस कंपेरिजन है। इससे NVIDIA ने बिजनेस को बूस्ट किया, उसने कहा देखो यार इंटेल का प्रोसेसर स्लो चल रहा है, मेरे वाला काम ज़्यादा है, मेरा ये पुराना था इसने ज़्यादा टाइम लिया। आर्म वाला कहता है ओह ये 33.6 मिली सेकेंड्स वर्सेस 3.08 मिली सेकेंड्स, हेल ऑफ डिफरेंस, 10 टाइम डिफरेंस। ये देख रहे 3.08 वर्सेस 33.6 मिली सेकेंड्स, सो टाइम इज मनी,
टाइम इज मनी इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है। तो बिजनेस इसका शूट कर रहे हैं, GTX सीरीज का, टाइटन सीरीज और बाकी जो भी हैं। तो ये अब आर्म वाले भी, इनको मुसीबत पड़ गई है कि यार ये तो हमारे, हम तो इस मार्केट को कम्पीट करना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। एनवीडिया जो है ना ऑक्टोपस की तरह हर मार्केट पे कैप्चर करता जा रहा है, ठीक है। तो ये 6.10 तक हमने पढ़ लिया है। फिर ये ट्रेफिडर रूल जो है ना, अब ये रूल टू जो है ना, उसने, उसको ये बात पसंद नहीं है। उसने कहा यार अभी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इस कोड को ऑप्टिमाइज करो। आपके मैनेजर ने कहा कि मैंने इतने ब्लॉक तुम्हें दिए, इतने थ्रेड दिए, ये दिया वो दिया, इतने एसपीज दिए मैंने तुम्हें, 45% सिर्फ लेकर आए हो फास्ट करके। नो वे, 45% इज नॉट एक्सेप्टेबल, गो बैक, ऑप्टिमाइज योर कोड, रन अ सेकेंड वर्जन ऑफ योर कोड, सेकेंड टू द प्रोग्रामिंग, सेकेंड। उसने कहा आप इस तरह करो यार, ठीक है मैं सर आपकी बात मान लेता हूँ, मैं जो है ना अब इसमें ट्री स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन यूज करूँगा, मैं अपने ट्रिपजाइडल रूल को बेहतर करता हूँ। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई वेस्टेड योर टाइम एंड मनी, यू गेव मी लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ GPUs एंड आई गॉट ओनली 45% परफॉर्मेंस कंपेयर टू इंटेल। नाउ दिस गाय अली भट्ट जो है ना, ही विल डिजाइन अ न्यू प्रोग्राम एंड ही विल, इफ यू हैव रेड पी थ्रेड्स और ओपन MPs। अब देखें ना वो जो शुरू में डायग्राम वो नीले रंग की जो मैंने दिखाई थी, जिसमें GPU भी था, CPU भी, MPI भी आ गया। आप देखें ना ये कंबाइंड, अब कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए कि आप ओपन MP भी यूज़ कर लें, MPI भी यूज़ कर लें, GPU भी यूज़ कर लें, CUDA भी कर लें, कुछ इस तरह का ना मिक्सचर, हाइब्रिड प्रोग्राम। हाइब्रिड प्रोग्राम का मतलब है कि आप कुछ और, अब ये चीज़ है ना इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको ज़रूर पढ़ें, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, यहाँ शोर भी बहुत ज़्यादा है ना, नेक्स्ट क्लास में इधर नहीं लूँगा, इधर बहुत ज़्यादा बैक। आप कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ यहाँ पे ना हाल के अंदर ना कोई 5-6 लोग साइमल्टेनियसली लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं ना। अभी सर कौन कमरे आ रहा है और बहुत डिस्टर्बिंग है वो। जिसने भी हाल बनाया ना उसकी पिटाई होनी चाहिए कि उसने इसको साउंड प्रूफ क्यों नहीं बनाया। सर आप उसका नाम बता देना, हम सब बच्चों को हम मेल कर देते हैं हमारे। दिस इज सही मानो में ना जो नॉइज पोल्यूशन है ना, इसको हम ये कहेंगे कि जिन लोगों ने भी ये हाल बना तो दिया है ना, लेकिन उनके अक्ल में ये बात नहीं है कि यार इसको साउंड प्रूफ बना लो खुदा के लिए। सर क्लास के स्टार्ट में मैं भी आपको बोलने वाला था, लेकिन मैंने कहा सर आप नाराज ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा नहीं कि बहुत शोर आ रहा है पीछे से कंटीन्यूअसली। हां चलो यार, अब इसकी रिकॉर्डिंग से पता चलेगा कि कितना नॉइज लेवल है ना। यस सर, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे ख्याल में ना, एक दो लेक्चर। अच्छा अब आपने ना नेक्स्ट क्लास में या अपने घर में बैठ के, तो आपने मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम जो है ना रन करके उसको LMS पे अपलोड करना है। आपके पास सिर्फ 3 दिन है, 31 दिसंबर उसकी डेडलाइन है, वो ऑटोमेटिकली LMS से डिसेबल हो जाएगा, फिर आपका रिसीव नहीं करेगा। वो गूगल डॉक्स पे तो अनलिमिटेड टाइम मिल जाता था ना, लेकिन अब LMS पे डेडलाइन फिक्स्ड है। पता नहीं क्या डेडलाइन क्या है उसकी, लेकिन 31 दिसंबर तक आपने वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, वो आप जो है ना उसको ज़रूर करें। वो आपके क्विज नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्विज नंबर 4 जो होगा इंशाल्लाह पाइथन के ऊपर करना है हमने, ठीक है ना। यही काम जो है कंप्यूटेशन के, अभी हम क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं। गूगल को लैब का मतलब है कि वी आर यूजिंग गूगल क्लाउड फॉर कंप्यूटिंग पर्पज यूजिंग GPUs। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन सा हम GPU यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप सेलेक्ट कर लें, खुद सेलेक्ट करें उसके नंबर ऑफ कोर्स कितनी है, उसके थ्रेड्स कितने हैं, ब्लॉक्स कितने हैं, तो आप एक अच्छी पोजीशन में चले जाएंगे, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट हैं इस वक्त? 32 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे, ये देखें ना, आप अटेंडेंस लगाते हैं मेरे ख्याल में ना, थोड़ी सी आज लगा लेते हैं। क्वेश्चन है, हाँ जी सर, ये जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का जो आपने कोड दिया है ना, उसके अंदर ना कस्टम, नहीं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ही, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सॉरी सर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसके अंदर सर कस्टम हेडर फाइल्स यूज हो रही है ना, helper.h और हाँ, तो वो हेडर फाइल्स अवेलेबल है ना सर? वो अवेलेबल तो है, लेकिन देखिए मेरी बात सुने ना,
अगर आपको वो कोड पसंद नहीं आता, वो तो मैंने उन लोगों को दिया है ना जिनको अभी देखे ना, जिन्होंने हेलो वर्ल्ड भी नहीं चलाया ना। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक ठीक ठाक काम है, उसमें थ्रेड्स को यूज करना, उसमें इंडेक्सिंग करना, उसमें लूपिंग करना, उसमें सारा कर्नल लिखना इटसेल्फ जो है ना, इट्स लॉट ऑफ वर्क। अगर आप खुद स्क्रैच करें तो हो सकता है आपको 2-3 दिन लग रहे हैं, स्पेशली क्योंकि हम GPU को यूज करना चाह रहे हैं ना। अब ये मैं तो एक तरह की स्पून फीडिंग कर रहा हूँ कि यार बच्चे चूंकि पढ़ ही नहीं रहे, इनको प्यार से कहें अच्छा जी आप कर लें प्लीज, आप चूंकि ये आपका कोर कोर्स है, आपने पैसे दिए हैं, यहाँ पढ़ें इसको देखें। अब ये कोई काम नहीं है, जब बाहर जाएंगे ना यूरोप में जाएंगे डंडे पड़ेंगे, उधर किसी ने आपकी हेल्प नहीं करनी, सारा काम खुद करना पड़ेगा। यूरोप में जाएंगे, चाइना जाएंगे, चाइना में तो मसला आएगा, चीनी तो बताते ही कुछ नहीं है। मैं अमेरिका में था, मेरे साथ चीनी मतलब लोग काम करते रहे हैं, वो ज़रा भी उन्होंने मेरी तरह कभी चाय तक की ऑफर नहीं की। आप खाना खा लेगा वो कुछ भी नहीं आपको देगा, वो आप कहेंगे यार किस तरह के लोग हैं, इतने बेनियाज, इतने आइसोलेटेड, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म है वहाँ पे, वो आपसे काम डिमांड करेंगे, ये कोई चक्कर नहीं है। इसलिए आप ख्वाब गफलत से, ख्वाब खरगोश जिस तरह होता ना, कछुआ जो था थोड़ा थोड़ा चलता रहा और मंजिल पर पहुँच गया, जीत गया। खरगोश ने कहा चलो मैं थक गया हूँ सो जाता हूँ थोड़ी देर, तो पीछे रह गया। हालांकि उसके अंदर कैपेबिलिटी थी बट ही डिडंट यूज दैट कैपेबिलिटी। खरगोश थोड़ी देर भागा फिर सो गया, फिर सोता ही रहा। कछुआ थोड़ा थोड़ा कर, थोड़ा थोड़ा जो होता है ना ये बहुत पावरफुल चीज़ है, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है ना। आज हमारा चौथा लेक्चर चल रहा है, जीपीयू जो सो गया सर, उससे फिर वो रह गया फिर। हाँ वो पीछे, वो बिल्कुल रेस में आया ही नहीं है भाई। अब रेस में शामिल तो हूँ कम अज कम, यू शुड बी पार्ट ऑफ द रेस। रेस किसके साथ है? नेस्ट वालों के साथ, लम्स वालों के साथ, यूरोपियंस के साथ, अफ्रीकियों के साथ, अमरीकियों के साथ, अरबियों के साथ, सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ, ईरानियों के साथ आपका कंपटीशन है। वो खा जाएंगे आपको, वो आपको कहेंगे यार इनको तो आता जाता ही कुछ नहीं है, किधर से कंप्यूटर साइंस करके आ गए, ये कहते हैं हमने ए ग्रेड लिया हुआ पैरेलल में कैसे ले लिया इन्होंने, इनको तो बेसिक कोड ही नहीं लिखना आता। तो इसलिए अपने आप को इस चीज़ से निकालें और एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करें, लेकिन चीटिंग मत करवाएं, क्योंकि चीटिंग किलर है, वो आप उसका नुकसान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेरी बातों को सीरियस ले लें और मतलब अपनी ज़िंदगी को ना, क्योंकि आगे चैलेंजेस बहुत आगे हैं, ठीक है। आगे वो ओमनीवर्स की बातें कर रहा है, वो क्या कहते हैं जेनसन होंग जो है ना, वो कहते हैं मैंने दुनिया को एक नई डायरेक्शन देनी है, तीसरी वर्ल्ड आने वाली है, सेकंड वर्ल्ड के बाद पहली वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड, दूसरी इंटरनेट की दुनिया, तीसरी ओमनीवर्स, ठीक है। वो ओमनीवर्स में ना लोगों को ले जाना चाह रहा है, पता नहीं शायद उससे पहले मरी ना जाए, उसके ना बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन वो बंदा डेडिकेटेड है, उसने 20-22 सालों में दुनिया को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है, इंटेल तक को बीट कर दिया उसने, जिसने इतना अरसा हुकूमत की है, ठीक है, कंप्यूटेशन की दुनिया में। उसने कहा भाई आप किधर, आपके प्रोसेसर तो किसी काम के नहीं है, पत्थर हैं आपके प्रोसेसर। लेकिन बहरहाल वो हर शेर पे सवा शेर होते हैं ना, अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि हर उरूज के बाद एक जवाल होता है, तो इंटेल का जवाल अब शुरू हो चुके हैं। कुछ अरसे में आप देखेंगे कि गूगल का जवाल भी शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह याहू का जवाल था, इस तरह की जब कोई और चीज़ें आएंगी ना, तो अल्लाह ताला की अपनी खुदाई दिखाना चाह रहा है, भाई तुम मतलब खुदा बनना चाहते हो, तुम मेरे मुकाबले में क्रिएटर बनना चाहते हो, वो एक ऐसे बच्चे को पैदा कर देगा जो नया आइडिया लेकर आ जाएगा। सर मेरी नज़र में जवाल तब आता है शख्स पे जब वो गुरूर में चला जाता है, तो कब्र में चला जाता है। हाँ, एक अपने कुरान में एक आयत आती है ना, नखनु अशद्दु मिन्ना कुव्वा, उन्होंने कहा कि हम ताकत में हमारा जैसा कोई है ही नहीं। रोमन ने कहा हमारा जैसा कोई है ही नहीं, पर्शियन ने कहा हमारा जैसा कोई है ही नहीं। खुदा ने उनको आज देना, रोम को आप देखें, यूनान की देखें, वो बिल्कुल छोटा सा गरीब, सबसे गरीब मुल्क यूनान है इस वक्त यूरोप के अंदर, ठीक है। यूनान में आप चले जाएं, चीज़ें सस्ती, मसले कोई नहीं है सबसे यूनान, हालांकि ग्रीस जो है ना एक ज़माने में इतनी उसकी हुकूमत थी। रोमन जो थे आप देख लें, तो यूके को देख लें, ब्रिटिश जो है ना, जो कहते हैं कि उसकी इतनी ज़मीनें थी कि सूरज ख़त्म ही नहीं होता था उस पर, ज़मीन यानी इतनी ज़्यादा थी। आज वो एक छोटे से यूके जो है ना, छोटे छोटे घर, डरबे वाले घर, गीटोज में लोग रह रहे हैं। इधर यूके जाएं ना, तो बिल्कुल छोटे छोटे नवाज शरीफ साहब के घर के आसपास घर ले तो पता चलेगा कि यार लेकिन यूके पावर में बहुत है सर, ये चीज नोट करने वाली यहाँ पर कुछ नहीं है। वो बिल्कुल अब जो है ना, वो जैसे ही क्वीन मरेगी ना, उसके बाद देखना क्या होता है। फिर क्वीन जो है ना, बस अब आखिरी सांसें ले रही है अपनी, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स भी मर जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर देखना क्या होता है। अभी तो यूरोप ने ना
बेचारे जो है ना, इसने बहुत जंगे लड़ी है इन्होंने और वीक कर लिया अपने आप को ना। बहरहाल ये चीज इंशाल्लाह चलती रहेंगी, और सिर्फ जो है ना कुरान में आता है हर चीज फना हो जाएगी, सबके अरूज खत्म हो जाएगा। कुल्ल मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सूरत अर रहमान की आयत पढ़ा करें, हर चीज फना होगी, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रह जानी है, ठीक है। और इंशाल्लाह तो अल्लाह के साथ लिंक बनाए, उससे इलम मांगे, या अल्लाह मेरे इलम में इजाफा फरमा, मुझे ऐसा इलम दे जो मुझे नफ़ा दे, जिससे मेरे को फ़ायदा हो, जिससे मेरे को जॉब मिल जाए, लोग मेरे आगे पीछे फिरें, मेरी मिन्नतें करें, मेरे पास आएँ, मुझे कहें हम आपको $10,000 देने के लिए तैयार हैं, प्लीज़ ज्वाइन अवर कंपनी। ये उस स्टेट तक जाना है आपने, ठीक है जी। चलें मेरे ख्याल में ना अब ये टाइम ख़त्म हो गया, अटेंडेंस जो है ना, ये अली जो है ना, आप वो स्नैपशॉट ज़रा भेज दें, मैं रेंडमली पूछता हूँ। अरमगान अहमद हसन, अहमद हसन मौजूद है? अवैस गुलजार, हैदर, हैदर सोहेल, सर हैदर सोहेल, हाँ अरमगानुर रहमान, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। अच्छा जी, अनस मुश्ताक, प्रेजेंट सर, खुरम शफकत, प्रेजेंट सर, अनस शफकत मौजूद है? ये अनस मुश्ताक, देखें आपने अपनी आवाज निकालनी है ना, किसी और की करेंगे तो फिर इधर से पता चल जाएगा। ये अहमद हसन का माइक का इशू है, उसका हैंड रेज है। हां देखें ना, माइक का इशू तो मेरे साथ भी हुआ है ना, मेरा कंप्यूटर नहीं चला आज यहां पर। सर आशिर वाला, इमरान आशिर वाला जो भी सर, ठीक है। रेज अब्दुल्ला मनसब, अबरार रसूल, ये देखे ना, ये लोग नहीं है ना ये। अच्छा जी सर, प्रेजेंट अबरार, हाँ अबरार आप लेट आए मेरे ख्याल है ना? नहीं सर, स्टार्ट से ही हूँ क्लास में, ठीक है। तो हैदर सुहेल, हमजा इकबाल, हैदर सुहेल, प्रेजेंट सर, जमशेद अरशद, खुरम, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, मुईज इमरान, प्रेजेंट सर, मोहम्मद अली भट्ट, मोहम्मद आदिल शबीर, प्रेजेंट सर, मोहम्मद इब्राहिम, प्रेजेंट, मोहम्मद जवाद अख्तर, यस सर, मोहम्मद मुईज सरफराज, मुरसलीन, प्रेजेंट सर, मोहम्मद रिजवान, यस सर प्रेजेंट, मोहम्मद रिजवान 174, मोहम्मद सैफ बासित, शेरोज रजा, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद उस्मान इकराम, मोहम्मद निशान, नजीबुर रहमान, प्रेजेंट सर, मोहम्मद निशान प्रेजेंट, मोहम्मद निशान फियाज 286, मोहम्मद तलहा प्रेजेंट है, उमर महबूब प्रेजेंट सर, उसामा तारिक प्रेजेंट सर, रिजवान शबीर, शाहरुख खान प्रेजेंट, सिफते हुसैन, सैयद अब्दुल मोईस, उसामा हसनैन प्रेजेंट सर, उस्मान अहमद प्रेजेंट सर, उस्मान बशारत, वकार मुश्ताक हैं सर, ये प्रेजेंट है। उस्मान बशारत का आया मुझे मैसेज, वो कह रहा है मेरा इंटरनेट का मसला है। अच्छा जी सर, यार वो खुद नहीं है ना, असल मसला ये है ना सर, उसका मैसेज आया था, वो अभी नहीं सर, वो अभी था लेक्चर में, तो उसकी घर में लाइट चली गई है सर। अच्छा चलो ठीक है, वकार मुश्ताक सर, सर सैफ बस, सैफ कौन से सैफ, बासित, यस सर, चले मोहम्मद सैफ, जुबैर, एक मिनट, जुबैर अवान प्रेजेंट, जुबैर मोहम्मद प्रेजेंट सर, 41 स्टूडेंट हैं क्लास में, ठीक है। किसी की अटेंडेंस नहीं लगी तो बता दें अभी हैं? सैफ बासिस की नहीं लगी? लगी सर, लगी सैफ बासिस लगी हुई है। चलें जी क्लास खत्म हो गई है, ठीक है। और केस स्टडी का एक बार
स्टडी करना, अभी तो टाइम नहीं है, 1:45 हो गए, तो मेरे 2 बजे से मैं लंच होता है डॉक्टर शौकत साहब के साथ में, तो नमाज भी मैंने पढ़नी, नमाज भी आप लोग पढ़ लें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं या तो कंप्यूटर सेपरेट जूम सेशन जो है ना उसके लिए रख लेते हैं, ठीक है, जूम का ना एक सेपरेट मीटिंग रखते हैं 7 बजे के बाद रात को, ठीक है, उसमें जो भी आना चाहे मैं लिंक भेज दूंगा, जिसने जो भी क्वेश्चन करने हैं वो उसमें आधे घंटे की हम मीटिंग रख लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम केस स्टडी को डिस्कस करते हैं, ठीक है, ओके सर, चलें जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सर।